एक किसान की लाइफ बारे दिखाइए है ना, किसान की लाइफ कि स्ट्रगल्स होंगे ने आप दिखाने की बस कोशिश की है। कि हथियार भी जो अपन चकने पेंदे तो क्यों चकने पेंदे ने, ते उम्मीद आ कि ऑडियंस नूं वधिया लगेगी तो उन्होंने यही उम्मीद से खरे उतरेंगे। आप अपने वालों किसानों के तो आप पूरे नाल हाँ, तो उन्होंने हक की गल दिखानी चाहिए। आप सर मूवी मूसा जट फाइनली कोविड की ड्यूरेशन के बाद रिलीज़ हो चुकी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी मेहनत है इसमें और अब फाइनली वो रंग ला रही है? हाँ जी मैनू तो बहुत वधिया लग रहा जी। तुम तो मूवी देख ली किदा लगी थानू? चलो थैंक यू जी। ऑडियंस लिए आप मूवी बनाने जे तुम वधिया लगी तो ऑबवियस वधिया ही होगी। बिल्कुल जी, पहली गल तो खुशी बहुत है जी, पहली बार साडी फिल्म रिलीज़ होने जा रही तो आप थिएटर देख रहे सारे जने इकट्ठे हो गए, इस गल की बड़ी खुशी है। बाकी उम्मीद पूरी है कि ऑडियंस बहुत पसंद करेगी, तो कल हूँ पता लगेगा रिव्यूज़ की आते, बाकी उम्मीद पूरी है जी कि सारे पसंद करेंगे। एडिटिंग के बाद तो आपने मूवी डेफिनेटली देखी होगी, लेकिन थिएटर में आज ही देखी होगी शायद। ऑडियंस अब कल दोबारा आवेंगे, आज चलो टीम गेस्ट से इनवाइटेड से ना, तो बाकी कल पता लगेगा जी रियल ऑडियंस। आप एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हो? एक्सपेक्ट तो जी आप एक्सपेक्ट अजे कुछ नहीं कर रहे अजे कुछ नहीं कर रहे भाई, ऑडियंस कल ही दसूगी। नहीं एक्सपैक्ट मतलब अदरों बहुत खुशी हो रही है, मैंने इदा लग रहा है वधिया चीज़ असी बनाई है, हुण ऑडियंस ही दसूगी उन्होंने किदा लगती है, उदा एक्सपैक्ट तो बहुत है पर दसी दी नहीं है। उम्मीद है पसंद आऊगी तो कल पता लगेगा जी रिव्यूज़ का। नहीं देखो अपने मोस्टली मूवीज़ कॉमेडी तो बनदिया ने, कॉमेडी तो हट के जो तुम कोई मूवी करनी उस एक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी पहले ही आ जाता है, तो आप इसलिए वह रिस्क ही चले हैं, तो आप यही कुछ हट के करिए है ना, थोड़ा एक किसान की लाइफ बारे दिखाइए है ना, किसान की लाइफ कि स्ट्रगल्स होंगे ने आप दिखाने की बस कोशिश की है। कि हथियार भी जो अपन चकने पेंदे तो क्यों चकने पेंदे ने, तो उम्मीद आ कि ऑडियंस नूं वधिया लगेगी तो उन्होंने यही उम्मीद से खरे उतरेंगे। आपने ये मूवी फार्मर्स को लेकर बनाई है, उनकी लाइफ को पोर्ट्रे किया है, उनकी हर एक सिनेरियो को बहुत क्लियरली बहुत क्लीन तरीके से दिखाया है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इंडिया में चल रहा है एवरीवन नोस, कुछ छुपा हुआ नहीं है, फार्मर्स को शायद बहुत टाइम हो गया उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन आप फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी अपन यही है कि अपने जेड़े सारियां सरकार गल्लां मान लैन है ना अपने फार्मर्स दियाँ, सानू भी मूवी का सेंसर लैन विच थोड़ी जी इस चीज़ करके मैं लगता प्रॉब्लम आई सी, जिदा करके सू थोड़ी अमेंडमेंट्स चेंजेस करनिया पूवी के, पर ठीक है जो भी है आप अपने वालों किसानों के तो आप पूरे नाल हाँ, तो उन्होंने हक की गल दिखानी चाहिए। आप फिलहाल मूवी मतलब किसानी अंदोलन तो पहले ही आप प्लैनिंग सी पहले ही करने बारे सोच रहे थे। हाँ जी हाँ जी, तो करते करते इन्ना टाइम लगा पोस्ट प्रोडक्शन का, बाकी स्टोरी एंड शूट पहले शुरू हो गया ते बस। आप लोगों ने स्क्रिप्टिंग पढ़ी होगी पहले डेफिनेटली, तो वो स्क्रिप्टिंग में कुछ चेंजेस कुछ अमेंडमेंट्स पहले भी आप लोगों ने किए होंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता था कि करनी चाहिए थी नहीं करी, या कर दी है करनी नहीं चाहिए थी? ये देखो एक डायरेक्टर के मन च हमेशा क्वेश्चनिंग रहती ही रहती है, वह तो भाई मूवी रिलीज़ हो जाए उन्होंने पता ही है कुछ ना कुछ मिस करी गया वह तो रहा ही रहा है, वह तो हमेशा ही रहूगा। पर यह स्टोरी बहुत वधिया लिखी सी अपने राइटर गुरिंदर डिंपी जी ने, तो बहुत मेहनत की उन्होंने भी इस स्टोरी तो पहले बहुत दो तीन महीने उन्होंने पूरा डट के काम किया, फिर वो साढ़े को आए थे तो बस फिर अच्छा ही सरजिया जी एसोसिएट मूवी का गुरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। बहुत वधिया मैम, फिल्म बनाने के पिछे बहुत मेहनत लगी है सारी टीम की, मतलब जिनी एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के पिछे मेहनत लगती है इस फिल्म से साड़ी दुगनी मेहनत लगी है, क्योंकि सानू अगे भी लड़ना पिया फिल्म नू इत्थों तक लैके आने वास्ते बहुत टीम का पूरा एफर्ट लग्या होया सीगा, ते बाकी जिहड़ा वर्डिक्ट है फाइनल वर्डिक्ट है वो कल नू ऑडियंस दऊगी, क्योंकि सब तो वड्डा फैसला उन्होंने करना है, पर मेहनत बहुत की है सारी टीम ने, सारी टीम का एफर्ट जुड़िया हुआ सी, एक सच्चा एफर्ट जुड़िया हुआ सी, ते जदों असीं आपका 100% दिंदे आ तां पॉजिटिविटी तुहानूं स्क्रीन ते भी दिसदी है ऑडियंस च भी दिसदी है, एक चंगा सुनेहा लैके आए हैं जिदा का दौर चल रहा है, मतलब स्पष्ट शब्दों से जो मैं कहाँ तो सिनेमा जिहड़ा वो समाज का एक शीशा है, तो असी जो समाज का जे असी नहीं गल करांगे तो होर मेरे हिसाब नाल कोई गल नहीं करूगा, तो पहल असी करी है तो
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭੰਡਗਿਰੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਅਬ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੋ ਅਬ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਡੀਅੰਸ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਕੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਬਸ शूटिंग ड्यूरेशन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ी चाहे वो वेदर को लेकर है या क्लाइमेटिक चेंज को लेकर है देखो शूटिंग मतलब कभी भी कोई ईजी नहीं होंगी बहुत हर टाइम प्रॉब्लम्स तो आदि ही आदि ने